ये है मरु प्रदेश राजस्थान। यहां जैसलमेर और बाड़मेर में गर्मियों में तापमान 50 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। यहां मौजूद रेत के टीले जीवन विहीन और बंजर लग सकते हैं, लेकिन यहां भी जीवन ने खुद को इस जगह के मुताबिक ढाल लिया है। जीव जंतुओं और पेड़ पौधों ने खुद को उपबंजर स्थितियों, बेहद तेज तापमानों और नमी की कमी के हिसाब से परिवर्तित कर लिया है। राजस्थान में पेड़ पौधों और जीव जंतुओं की कई दुर्लभ प्रजातियां भी मौजूद हैं। हालांकि राजस्थान को एक रेगिस्तानी राज्य कहा जाता है, लेकिन फिर भी यहां विविधता बेहिसाब है। अरावली श्रृंखला दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में फैली है और इस इलाके को दो हिस्सों में बांटती है, पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ दक्षिण पश्चिमी इलाका और कम वन वाला उत्तर पश्चिमी क्षेत्र यानी निर्जन थार, जहां हर साल केवल 2 से 4 इंच बारिश ही होती है। पूर्वी हिस्से में बाघ और प्रवासी पक्षी रहते हैं, जबकि सूखे और बंजर पश्चिमी इलाके कई प्रवासी पक्षियों के लिए सर्दियों का एक आशियाना भी है, जो साइबेरिया और यूरोप जैसी दूर दराज जगहों से आते हैं। इसके अलावा देश के अन्य हिस्सों से पेलिकन और फ्लेमिंगो पक्षी भी यहां आते रहते हैं। सांभर झील जयपुर से 100 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है। ये एशिया में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है और सर्दियों में यहां पक्षियों की 70 से ज्यादा प्रजातियां रहती हैं, जिन्होंने खुद को खारे पानी वाली स्थितियों के मुताबिक ढाल लिया है, जैसे कि फ्लेमिंगो, पेलिकन, स्टॉक, बगुले और अन्य जल मुर्गियां तथा जल पक्षी। सांभर झील की लंबाई 35 किलोमीटर से ज्यादा है और अंतरराष्ट्रीय महत्व की इस जलराशि को रैमसर साइट घोषित किया गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये ढेर से प्रवासी पक्षियों और जीव जंतुओं की जीवन रेखा है। यहां सबसे अधिक नजर आते हैं फ्लेमिंगो पक्षी। यहां एल्गी के खूब खिलने और पोषक तत्वों से भरपूर पानी के कारण सांभर लेक में ढेर सी गतिविधियां चलती रहती हैं। स्थानीय तौर पर फ्लेमिंगो को सुरखाब या फ्लेम बर्ड कहा जाता है और इन्हें अपना गुलाबी और किरमिजी रंग अपनी खारे पानी वाली खुराक में मौजूद बीटा कैरोटीन से मिलता है। जिस फ्लेमिंगो की जितनी बेहतर खुराक होती है, उसका रंग उतना ही गहरा होता जाता है। लेकिन हजारों पक्षियों के लिए एक नखलिस्तान होने के अलावा सांभर इस निर्जन और अनुत्पादक क्षेत्र में हजारों लोगों को रोजी रोटी और नियमित आमदनी का एक वहनीय स्रोत भी मुहैया कराती है। सांभर की नमक की क्यारियों से हर साल 200 टन से ज्यादा नमक पैदा होता है, जो भारत के कुल नमक उत्पादन का करीब 10% होता है। महिलाएं और पुरुष इस झील के बेरहम रेत से रोजी जुटाते रहते हैं। खारे रेगिस्तान में काम करने के साथ कई खतरे भी जुड़े रहते हैं। यहां के बहुत से मजदूर रंगों के बीच अंतर नहीं कर पाते। नमक से परावर्तित होने वाली तेज रोशनी को लंबे समय तक झेलने से उनकी आंखों के कोन और रॉड को नुकसान होता है। इसके अलावा खारे पानी में लंबे समय तक रहने के कारण इन कामगारों के हाथों और पैरों में दरारें पड़ जाती हैं। आज ये खारे पानी वाली झील खतरे से घिरी है। इंसानी गतिविधियों में वृद्धि होने के कारण इस खारी झील की प्राकृतिक प्रक्रिया बाधित हुई है, जिससे न केवल स्थानीय समुदायों की जिंदगी मुश्किल में पड़ती जा रही है, बल्कि
साल के 6 महीने जो जगह प्रवासी पक्षियों के लिए एक सुरक्षित आशियाना हुआ करती थी, उसके लिए भी खतरा पैदा हो रहा है। सांबर झील दम तोड़ रही है, इसके किनारे सिकुड़ रहे हैं और यहां आहार की भी कमी होती जा रही है। लिहाजा ये झील प्रवासी पक्षियों को संभाल नहीं पा रही। 80 के दशक की शुरुआत में जहां 5 लाख फ्लेमिंगो यहां आते थे, अब उनकी तादाद घटकर सिर्फ 30,000 रह गई है। ये झील एक अंतर्राष्ट्रीय विरासत, एक रैमसर साइट है। अगर हमें इस प्राकृतिक पर्यावास को बचाना है तो सख्त कानून और राजनीतिक इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। बीकानेर जिले के पश्चिमी छोर पर जैसलमेर से लगभग 150 किलोमीटर पूर्व में एक दूरदराज गांव कीचन मौजूद है। ये एक उप बंजर इलाका है जिसमें पेड़ पौधे कम हैं। यहाँ रेत के टीले हैं और सिर्फ एक ऐसा जल भंडार है जिसके बल पर साल में सिर्फ एक फसल ली जा सकती है। हर सर्दियों में अक्टूबर के महीने में इस शांत से गांव में गतिविधियां बढ़ जाती हैं। कीचन दरअसल खतरे से घिरी एक पक्षी प्रजाति डेमोइसल क्रेन का एक नियमित शीतकालीन आवास बन गया है। स्थानीय तौर पर कुर्जा नाम से जाने जाने वाले हजारों डेमोइसल क्रेन इस दूरदराज गांव तक आ पहुंचते हैं और राजस्थान में इस सबसे भव्य प्राकृतिक घटना का सृजन करते हैं। ये पक्षी दुनिया के अलग अलग हिस्सों से आते हैं, इनमें से कुछ तो साइबेरिया जैसी दूरदराज जगहों से भी आते हैं और कुछ हिमालय के बेरहम और बेहद ऊंचे दर्रों का भी सामना करते हैं। जोश से भरे गांव वाले इनके आने का बड़ी बेसब्री से इंतजार करते हैं। बहुत से लोगों के लिए ये देवताओं की तरफ से एक शुभ संदेश जैसे हैं। यहाँ इंसान और इन पक्षियों के बीच का एक अनूठा रिश्ता देखने को मिलता है, जहाँ इन वन्य जीवों को एक सुरक्षित आशियाना और आहार मुहैया कराया जाता है, जो अपने बेहद सर्द इलाकों से बचकर यहाँ आते हैं। सर्दियों के आगे बढ़ने के साथ साथ लगभग 14,000 पक्षी गांवों के नजदीक मौजूद रेत के टीलों को अपने आगोश में ले लेते हैं। इस बंजर रेगिस्तानी जमीन से तो इन्हें कुछ खास नहीं मिलता, लेकिन डेमोइसल क्रेन के लिए तो ये इलाका किसी जन्नत जैसा है। डेमोइसल क्रेन की ऊंचाई 3 फुट होती है और ये दिखने में बहुत ही भव्य और नाजुक पक्षी लगता है। अपनी खूबसूरती की वजह से इसे ये नाम मिला, क्योंकि ये दिखने में किसी मादा जैसा नाजुक लगता है। इसके पंख हल्के नीले और सुरमई होते हैं, जबकि इसकी छाती वाले हिस्से के पंख बड़े और काले। एक लंबा और बिल्कुल सफेद पंख इसकी लाल आंखों के पीछे से सिर के पिछले हिस्से तक मौजूद होता है। इसके सिर पर एक कलगी जैसी चीज मौजूद होती है। नर और मादाएं दिखने में इतने समान लगते हैं कि उनके बीच अंतर करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन नरों का आकार थोड़ा बड़ा होता है। डेमोइसल क्रेन बेहद सामाजिक पक्षी हैं और इनकी आवाजें काफी विविध और तीखी होती हैं। हर गुजरते साल के साथ कीचन आने वाले इन सारसों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती रही है, लेकिन आखिर वो कौन सी बात है जिसके कारण ये पक्षी इस रेगिस्तान के दूर दराज और अलग थलग गांव में आते हैं? यहाँ पर जो ये कुर्जें इतनी संख्या में आती है बहुत बड़ी में, इसका मेन जो कारण है वो कोई एक कारण अपन नहीं बता सकते हैं, इसमें कई कारण शामिल हैं। जैसे क्या है कि भौगोलिक स्थिति है यहाँ की, गांव के दक्षिण में और उत्तर साइड में दो दो तालाब है, तो उनके कारण कुछ मौसम में नमी रहती है, प्लस इनके जो खाने के लिए चूनायुक्त मिट्टी चाहिए वो भी मिल जाती है। और सबसे अच्छी जो बात है, यहाँ के लोग इनके संरक्षण में बहुत विशेष ध्यान देते हैं। सुबह होने पर डेमोइसल सारसों का पहला जत्था आ पहुंचता है। ये गांव का चक्कर लगाते हैं और उसका जायजा लेते हैं, और जब इन्हें इस जगह के सुरक्षित होने का भरोसा हो जाता है
तो ये नीचे उतरना शुरू करते हैं। फिर हजारों की तादाद में ऐसे और पक्षी आने लगते हैं। हवा इनकी जोरदार और तीखी आवाजों से भर जाती है, लेकिन अब गांव वालों के लिए ये एक सामान्य बात हो गई है। डमोइसल क्रेन का स्थानीय नाम कुर्ज या कुर्जा है। ये सारस यहाँ नियमित रूप से आते हैं और अब तो यहाँ के कई लोक गीतों और लोक गाथाओं में भी इन्हें जगह मिल गई है। गांव वालों के लिए ये सारस एक बड़ा अच्छा शगुन है और यहाँ इन्हें कभी किसी ने नुकसान नहीं पहुंचाया है। बाड़ वाले एक बाड़े में इन्हें चारा दिया जाता है, जहाँ ये कुत्तों, बिल्लियों और अन्य शिकारी जीवों से बचे रहते हैं। गांव वालों का पक्का विश्वास है कि प्रकृति ने उन्हें इन पक्षियों का संरक्षक बनाया है। इन सीधे साधे किसानों को इस बात का बड़ा गर्व है कि इन सारसों ने उनके गांव को सर्दियों के अपने आशियाने के तौर पर चुना है। जब डमोइसल सारसों को ये गांव सुरक्षित लगने लगा और उन्हें यहाँ खुराक भी नियमित रूप से मिलने लगी, तो उनकी तादाद बढ़ने लगी। गांव वालों ने इन सारसों की सुरक्षा के लिए दो केंद्र बनाए हैं। यहाँ रोजाना इन पक्षियों के लिए करीब 500 किलो ज्वार डाला जाता है। इस बाड़े में पक्षियों की इतनी भीड़ हो जाती है कि कुछ सारसों को दाना चुगने की अपनी बारी का इंतजार करने के लिए ऊपर उड़ते रहना पड़ता है। चारा चुगने की ये गतिविधि 2 से 3 घंटे चलती रहती है। कुछ ही घंटों में आधा टन दाना खत्म हो जाता है। फिर ये पक्षी इस बाड़े से निकलकर गांव के तालाब की तरफ चल पड़ते हैं। अपनी प्यास बुझ जाने के बाद ये आसपास के खेतों में चले जाते हैं और फिर अगले दिन दोबारा कीचन लौट आते हैं। यही सिलसिला करीब 5 महीने तक चलता रहता है। कीचन इंसान और जीवों के आपसी रिश्ते और संरक्षण से जुड़ी एक प्रेरक कहानी है। मार्च की शुरुआत में जब गर्मी आरंभ होने लगती है तो ये पक्षी यहाँ से जाने लगते हैं। गांव वाले रवाना होते इन सारसों को भरी आंखों से देखते रहते हैं और अगली सर्दियों में फिर से इनकी सुरक्षित वापसी का इंतजार करते हैं। ऊंट को यूं ही रेगिस्तान का जहाज नहीं कहा जाता। रेगिस्तान हमारे ग्रह की सबसे गर्म, सबसे सूखी और सबसे मुश्किल पर्यावरण प्रणालियां हैं। लेकिन गर्म और तपते रेगिस्तानों के अलावा ठंडे रेगिस्तान भी होते हैं, जैसे कि लेह और लद्दाख का ठंडा मरुस्थल, जहां तापमान 0 से भी 30 डिग्री सेल्सियस नीचे तक पहुंच जाता है और यहां घास का एक तिनका तक नहीं उगता। लेकिन अजीब बात यह है कि इन दोनों तरह के रेगिस्तानों में एक चीज सामान्य है, ऊंट। बैक्ट्रियन ऊंट और ड्रोमेडरी ऊंट आपस में सहवंशी हैं। एकमात्र अंतर यह है कि ऊंचाई वाले इलाकों में मिलने वाले बैक्ट्रियन ऊंट के 2 कूबड़ होते हैं। ये कूबड़ दरअसल चर्बी वाले टिश्यू होते हैं, जिनमें चर्बी जमा रहती है और जरूरत के समय इसे ऊर्जा और पानी के स्रोत के रूप में बदला जा सकता है। बैक्ट्रियन ऊंट 0 से 30 से 40 डिग्री सेल्सियस नीचे तक का तापमान झेल सकते हैं। आज लद्दाख में 150 से 200 बैक्ट्रियन ऊंट मौजूद हैं। इस बेरहम भूप्रदेश में ये अनूठा जीव स्थानीय समुदायों की रोजी रोटी के सिलसिले में एक साथी और एक सहारा बन रहा है। ये रेगिस्तान में परिवहन के साधन के तौर पर इस्तेमाल होने वाला एक कमाल का जीव है।
ये काफी वजन ढो लेता है और बिना पानी के कई कई दिन जी लेता है। आज भी राजस्थान में ऊंटों के बड़े बड़े कारवां सफर करते रहने वाले समुदायों के घरेलू साजो सामान को ले जाते नजर आते हैं। कुदरत ने ऊंटों को रेगिस्तान में रहने के हिसाब से ही ढाला है और ये बड़ी आसानी से रेतीले अंधड़ों और उच्च तापमानों का सामना कर सकते हैं। ये जिस हवा को सांस के जरिए लेते हैं उसे ठंडा करने के लिए ये अपने नथुनों को सिकोड़ और फैला सकते हैं। इनकी पलकों की दो लंबी और मोटी कतारें होती हैं जिससे रेत इनकी आंखों में नहीं घुस पाता। दुनिया में ऊंटों के सबसे बड़े जमावड़ों में से एक नजर आता है वार्षिक पुष्कर मेले के दौरान, जो सैलानियों और श्रद्धालुओं दोनों के लिए हर सर्दियों के दौरान एक बड़ा आकर्षण होता है। पूरे देश से सैलानी, श्रद्धालुओं, व्यापारियों और जीवों के इस रंग बिरंगे सम्मेलन को देखने इकट्ठे होते हैं। सैकड़ों ऊंट और उनके मालिक यहाँ आते हैं और बेचने के लिए चीजें लाते हैं। एक हफ्ते तक चलने वाले इस समारोह के दौरान ऊंटों, मवेशियों और कृषि से जुड़ी चीजों की जबरदस्त खरीद फरोख्त होती है। लेकिन यहाँ का सबसे आकर्षण होता है ऊंट। अपने ऊंटों को ज्यादा आकर्षक बनाने के लिए उनके मालिक अपने जीवों के बाल बड़े खूबसूरत ढंग से कटवाते हैं और उन पर बहुत सुंदर डिजाइन बनवाते हैं। लेकिन आधुनिकता के बढ़ते जाने से ऊंटों की जगह आज ट्रैक्टरों और मशीनों ने ले ली है। इनकी घटती आबादी को बढ़ाने की कोशिश में सरकार ने बीकानेर और जोधपुर में प्रजनन और शोध से जुड़े फार्म कायम किए हैं। स्थानीय समुदाय ऊंटों के दूध के इस्तेमाल को बढ़ावा दे रहे हैं और इसका प्रयोग औषधीय उद्देश्यों के लिए भी किया जाता है। ऊंटों के दूध में ढेर सा प्रोटीन होता है और इसमें गाय के दूध भी कम होती है। इसमें गाय के दूध की तुलना में विटामिन सी 3 गुना होता है और इसमें विटामिन B1, B2, B12 और विटामिन ए भी भरपूर होता है। कई ऊंट सूखे के मौसम के दौरान भी रोजाना 4-5 लीटर दूध दे सकते हैं। ऊंट की दिशा ज्ञान संबंधी योग्यता का कोई मुकाबला नहीं होता। माना जाता है कि ऊंट सितारों की रोशनी और पृथ्वी के मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करके रास्ता ढूंढ सकते हैं। ऊंट अपने मालिकों के प्रति बेहद वफादार होते हैं और उन्हें जिंदा रहने के लिए सिर्फ घास और पानी ही चाहिए। ये प्रदूषण नहीं फैलाते बल्कि ये रेगिस्तानी पर्यावरण प्रणाली को कायम रखने में मदद करते हैं। बारिश के छोटे से मौसम में जो घास उगती है ये उसे नहीं खाते। ये घास बकरियां और मवेशी खाते हैं जिससे रेगिस्तान का फैलाव होता है। ये तो उसके बजाय ऊंचे पेड़ों की कांटेदार और खारी पत्तियों को अपनी खुराक बनाते हैं। अगर ऊंट नहीं होंगे तो डंग बीटल भी खत्म हो जाएंगे, जो अपनी आबादी को बढ़ाने के लिए ऊंट के गोबर पर निर्भर करते हैं। डंग बीटल ऊंट के गोबर की गंध 3 किलोमीटर दूर तक से पा लेते हैं। ये जीव जीवनदायी नमी वाले इस गोबर में घर बनाते हैं। मेहनती डंग बीटल इस गोबर के छोटे छोटे गोले बनाते हैं और अपना हिस्सा पाने के लिए आपस में लड़ते भी हैं। ये गोबर के इन गोलों को ठेलते हुए ले जाते हैं और रेत में दबा देते हैं ताकि इन्हें सूरज की तीखी किरणों से बचाया जा सके। इस तरह बीटल और ऊंट का एक दूसरे पर निर्भर रहना जीवन की इस क्रियाशील आहार श्रृंखला का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है।